ब्रेक के बाद खुश आमदी। और अब बात करेंगे कराची में पहली बार एंटरटेनमेंट और प्रोडक्शन की दो रोजा कॉन्फ्रेंस जा रही है जिसमें मीडिया की अहम शख्सियात ने शिरकत की है। हमारी नुमाइंदा नबीला ताहिर वहां पे मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। जी नबीला जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के मशहूर बीच लग्जरी होटल में जहाँ दो रोजा पहली बार एंटरटेनमेंट कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से ताल्लुक रखने वाली काफी शख्सियात ने यहाँ पे शिरकत करी है। आइए, हमारे साथ मशहूर डायरेक्टर सनत खुसर साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस किस तरह हमारे लिए खुश आइंदा। जो बुनियादी इसका मकसद है, एक तो वो है कि बहुत सी चीजें हम इसको अगर एक इंडस्ट्री के तौर पे फरोग देना चाहते हैं, इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो फिर बहुत से मामलात पे हमें रिसर्च की जरूरत है। शौक शौक में तो किसी का एक्टर बनने को भी दिल चाहता है, राइटर बनने को भी दिल चाहता है, लेकिन क्या ये वाकईतन एक करियर के तौर पे इसको अपनाया जा सकता है? क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, क्या मुश्किलात हैं? उस हवाले से लोगों को एक्सपोजर मिलेगा। और हमारे यहाँ आमतौर पर फेस्टिवल्स हो जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेज नहीं होती स्केल पे, राइट? सो दिस इज नॉट अ फेस्टिवल, इट्स अ कॉन्फ्रेंस। सो ये टेक्निकल बातें भी होंगी इसमें, इंडस्ट्री की जो अपनी कुछ प्रोफेशनल गुफ्तगू है वो भी। सो आई थिंक इसका बड़ा एक फोकस सा टारगेट है ऑडियंस के हवाले से और पार्टिसिपेंट्स के हवाले से, फिल्म स्टूडेंट्स जो हैं, फिल्म ग्रेजुएट्स या नए लोग जो आना चाहते हैं। सो आई थिंक इस तरह की चीज़ों से फायदा ही होता है। जैसे कि आपने सुना सरमद खुसर साहब से भी कि जो दो रोजा कॉन्फ्रेंस हो रही है, इससे नए टैलेंट को भी आगे आने का मौका मिल रहा है और इस कॉन्फ्रेंस में तमाम लोग शिरकत करके फायदेमंद ही रहेंगे।